जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, जो आज का जो वीडियो है मॉडल पेपर 29, और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वयं के नोट्स के जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने लाना शुरू कर दिया है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। देखो, मैंने सारे पेपर आपको ओल्ड करा दिए हैं, अब मैंने स्वयं उन्हीं में से छाट के टाइपिंग करा के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको, अब जैसे कि EBS की 1500 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर की सीरीज चलाती है। तो सभी लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट आपको पता है, जो कि 25 या 26 से समथिंग शुरू जो डेट चेंज करी गई है, तो ये आपकी डेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर किया करिए, आप अगर प्रैक्टिस सेट कोई लगा रहे हैं तो उसको भी मुझे शेयर किया करिए। तो देखिए, यहां से पहला जो क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी है वेतन, सेवा, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो अगर मैं बात करूं यहां से आंसर की कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, तो याद रखना छात्रों का विश्वास। अगर छात्रों का विश्वास है कि हाँ यार, मैं यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा ये ज़रूर हो जाएगा, तो ये एक क्या होता है, विश्वास होता है। तो आंसर याद रखना, पहला पूरा आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल डिटेल के साथ भी कुछ कुछ चीज़ें हमने दी हैं, अगर आपको डाउट लगता है तो उस डिटेल को ज़रूर आप पढ़ लिया करिए। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक है कानून, सिद्धांत, खोज, मूल, संकल्पना। तो यहाँ से कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह एक है सिद्धांत। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है श्रुत लेख और दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुत लेख। तो यहाँ से क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, तो याद रखना जो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, तो आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, करेक्ट। बिल्कुल डिटेल भी दिया है ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, मेथेन। तो यहाँ से ग्रीन हाउस गैसों की बात करी जा रही है, तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूँ, हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, करेक्ट। बिल्कुल आपको इसमें डिटेल में मिल जाएगा बिल्कुल समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, डेसिबल, जूल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो यहां से क्वेश्चन आंसर आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, तो याद रखना डेसिबल आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन था, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि ध्वनि प्रदूषण मापन डेसिबल है, 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर सिरवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम। तो क्वेश्चन बन जाता है कि कितने से जो हानि पहुंचेगी, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो यहाँ से मंद को क्या बोलते हैं, 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद होती है, 75 साधारण, जो कि हम लोगों को दिक्कत नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, यू आकार की घाटी, लैपिज, बी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो यहाँ से क्वेश्चन था कि किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, तो याद रखना है यू आकार की घाटी। ये क्वेश्चन यूपी में आ चुका है, याद रखना है यूपी टेट का। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वर्ण रेखा, ताप्ती, नर्मदा, सिंधु। तो यहाँ से आपको जो बताना है कि कौन सी जो नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिर, तो याद रखना है
और ये जो आया क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2016 को आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो याद रखना ये जो स्वर्ण रेखा जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो याद रखना इसको आप पढ़ सकते हैं रांची, ये सारी चीज़ें उसकी पूरी डिटेल दी गई है। बाकी के नर्मदा, ताप्ती और सिंधु, ये तुम्हारी अगर मैं बात करूँ ये तुम्हारी अरब सागर में, सॉरी। अगला जो क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा सबसे अच्छा कि उसकी अनियमितताओं को कारण, यानी कि वो क्यों नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ें आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा थर्ड जो कि करेक्ट, सॉरी। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। तो झीलों का जो शहर कहलाता है अपना प्यारा सा एक राजधानी है जो कि भोपाल, तो याद रखना आंसर हो जाएगा सेकंड जो कि करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, ये क्या हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, वो किस सागर के, काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो यहाँ से कहने का मतलब है यूरोप को अफ्रीका, तो याद रखना अफ्रीका से जो अलग करता है वो भूमध्य सागर होता है, तो आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर, 16 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल, तो याद रखना आंसर हो जाएगा आपका 16 सितंबर। और आपको ये बताना है 22 अप्रैल को बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध एक कोई अच्छा डे मनाया जाता है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटन करता, तो याद रखना ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र या भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र, तो इसमें से आपको जो तो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को चक्रण को क्या कहते हैं, तो याद रखना जो आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, कोयला, तो याद रखना है जो आंसर आपका हो जाएगा निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय है, तो याद रखना हाइड्रोजन, इसको